हेलो फ्रेंड्स, स्टडी ऑफ फार्मा में आप सभी का स्वागत है। मैं एमडी रेजा। आज हम लोग पढ़ेंगे बी फॉर्म सेकेंड सेमेस्टर फर्स्ट यूनिट का स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी। स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। फिजियोलॉजी का मतलब तो हम लोग समझ चुके हैं अगले वीडियो में। आज मैं स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी के बारे में बताऊँगा। सबसे पहला है न्यूरोफिजियोलॉजी। न्यूरोफिजियोलॉजी किसे कहते हैं? स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स। इसमें हम स्टडी करते हैं नर्व सेल्स के फंक्शंस के बारे में और उसके प्रॉपर्टीज के बारे में। लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स। प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व सेल्स। और दूसरा है एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी क्या होता है? इट इज द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हाउ द कंट्रोल ऑफ बॉडी फंक्शंस। इसमें स्टडी करते हैं कि हार्मोन्स और उस कैसे कंट्रोल करता है बॉडी फंक्शंस को, उसके बारे में स्टडी करेंगे। तो इट इज द स्टडी ऑफ हार्मोन्स एंड हाउ दे कंट्रोल द बॉडी फंक्शन। बॉडी फंक्शंस। तीसरा है कार्डियोवास्कुलर में हम स्टडी करते हैं हार्ट के फंक्शंस के बारे में और ब्लड वेजल्स के बारे में। कार्डियोवास्कुलर में स्टडी करेंगे तो लिखेंगे इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। स्टडी ऑफ द फंक्शन हार्ट एंड ब्लड वेजल्स। इसमें स्टडी करते हैं हार्ट के फंक्शंस के बारे में और ब्लड वेजल्स के बारे में। अब चौथा है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी क्या होता है? इसमें स्टडी करते हैं बॉडी डिफेंड, हाउ द बॉडी डिफेंड इट सेल्फ अगेंस्ट अ डिजीज कॉजिंग एजेंट। कैसे हमारे बॉडी खुद से हमारे बॉडी को डिजीज से रोकने की क्षमता रखती है इम्यूनोलॉजी। इट इज द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी डिफेंड इट सेल्फ against डिजीज। और चौथा पांचवा है रिस्पायरेटरी फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फेसेस एंड लंग्स के फंक्शंस के बारे में। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द फेसेस एंड लंग्स। रीनल फिजियोलॉजी
छठा है रीनल फिजियोलॉजी। रीनल फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं फंक्शन ऑफ किडनी, हमारी किडनी कैसे कार्य करती है। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ किडनी। और सातवां है एक्सरसाइज फिजियोलॉजी स्टडी, और इसमें हम स्टडी करते हैं कि हमारे सेल और ऑर्गेन में के फंक्शन कैसे, उसकी फंक्शंस में क्या चेंजेज आते हैं, उसकी मस्कुलर एक्टिविटी के बारे में स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ चेंज इन सेल एंड ऑर्गेन्स फंक्शन एज मस्कुलर एक्टिविटी। इसके बारे में स्टडी करते हैं पैथोफिजियोलॉजी, इसमें स्टडी करेंगे फंक्शनल चेंजेज एसोसिएटेड विद द डिजीज अगेंस्ट, कि हमारे बॉडी के अंदर जो डिजीज होने से क्या क्या चेंजेज आती हैं। इट इज द स्टडी ऑफ फंक्शनल चेंजेज विथ डिजीज अगेंस्ट। तो फ्रेंड्स, आज स्कोप ऑफ फिजियोलॉजी हम लोग पढ़ लिए हैं। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे आपको ऑर्गेनाइज ऑफ द बॉडी। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।